यहां पे एफिट करता हूं और नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं, इसको सिर्फ रन करता हूं, तो आप देखेंगे कि पूरा हमारा ड्रैग हो गया। नहीं, दोबारा रन करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन होता है ना ए, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जैन एंड ओके, यहां देखिए ई सिक्स ना है, सॉरी ई सिक्स सेवन कर दिया। हाँ, अब रन करते हैं जैन, देखिए ये पूरा नहीं हुआ। ई सिक्स ने डी सिक्स होगा, क्या हो गया आज दिन में पढ़ाते पढ़ाते लग रहा है कि दिमाग हैंग हो रहा है। जैन ये देखिए आ गया पूरा मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, और जितना हाँ एक कम आ गया यहाँ पे, एक फरवरी, अच्छा वो पहले हो गया था, इसका आंसर आया, इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसको कर लिया। अब करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे इन सबको नीचे तक बॉर्डर चाहिए, मतलब कि मुझे बॉर्डर चाहिए A1 से लेके कहाँ तक, A14 तक, या मान लीजिए 20 तक चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा रेंज A6 से A6। अब मुझे नहीं पता ये कितना होगा, A6 कॉमा यहां पे लिखेंगे रेंज A6 डॉट ऑफसेट 20 रो एंड 20 नहीं 20 ज्यादा हो जाएगा, ये 15 कर देते हैं, 15 रो और कॉलन में हमने बोला ए प्लस, अब इसमें प्लस करेंगे यहां पे जीरो यह है 1 2 3 रो, उतने कॉलम प्लस करके हमने क्या किया, यहां लगाया फॉर्मूला, बोल दिया बॉर्डर्स, बॉर्डर्स में दिया लाइन स्टाइल इक्वल टू, हमने कर दिया यहां पे रो, लाइन स्टाइल इक्वल टू 1 करना है ना, माफ कीजिए 1, ठीक है। अब यहां पर रन करके देखिए एक बार, रन करते हैं माइक्रोज रन, पहले यहां पे जैन दिया तो आप देखेंगे ये पूरा जैन का बना दिया। अब मुझे क्या करना है कि जो ए एक ज्यादा हो गया, देखिए यहाँ एक ज्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे 2+2 करें तो ज्यादा नहीं रहेगा। अब मुझे क्या करना है कि ए जो 31 जनवरी फरवरी है ना, इसको कस्टम फॉर्मेट करना है और इसको 1 2 3 इस तरह से लेके आना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रेंज, ये जो आपका फिल राइट वाला सिस्टम था ना, इसी को उठाते हैं और 6 के जगह पे 7 कर देंगे, 6 के जगह पे 7 7, और इसमें मैं दूंगा नंबर फॉर्मेट इक्वल टू 2 बार DD, वो हो जाएगा Jan 5 March वगैरह। फिर सेम यहां पे देते हैं और देते हैं एंटायर कॉलन डॉट ऑटो फिट, तो ऑटोमेटिकली वो फिट हो जाएगा। तो इस पर एक बार हटाते हैं और फिर यहाँ पे माइक्रोज रन करते हैं, यहाँ पे देते हैं जैन एंड ओके, देखिए ऑटो फिट हो गया और ये 1 2 3 4 5 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, क्लियर है कोई डाउट इसमें। अब मुझे यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है कि अगर ये सैटरडे या संडे है तो कलर्ड हो जाए, क्या हो जाए, कलर हो जाए, सैटरडे एंड संडे है तो कलर हो जाए। तो इसके लिए हम रिकॉर्डिंग मैक्रो करेंगे, ठीक है, और होम पे जाते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं, न्यू रूल्स यहां पे देते हैं यूज फॉर्मूला और इक्वल, इक्वल में हम ये मंडे को सिलेक्ट करते हैं और देते हैं यहां पे और देंगे, और मंडे सिलेक्ट किया और इक्वल टू किया कि अगर ये सैटरडे है कॉमा, इसको सिलेक्ट किया और लिखा अगर ये संडे है,
ठीक है, और इसमें जो डी के आगे का डॉलर साइन है वो हटा देता हूं मैं, और यहां हम फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में आने के बाद डेटा फिल में आते हैं, हम कलर करके ओके कर देते हैं और यहां पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, और यहां से फॉर्मेटिंग हटा भी देते हैं क्योंकि दो डबल फॉर्मेटिंग डबल हो जाएगी, क्लियर आउट कर देते हैं। अब यहां देखिए इसकी कोडिंग आ गई, तो सिलेक्शन डॉट ऑटो फिल्टर दिख रहा है, तो इसको हम फॉर्मेट लेते हैं, सिलेक्शन वाला पार्ट को जगह पे हम यहां डाल देंगे। कौन सा पार्ट है, ए आपका डी एट, सॉरी डी एट, यहां लिख देंगे रेंज डी एट, नहीं हम एक काम करते हैं ए पे दे देते हैं, डी सेवन कर देते हैं, डी सेवन डॉट, और जो हमारा नंबर फॉर्मेटिंग वाला पार्ट है वो डाल दिए, तो कंडीशन फॉर्मेटिंग लग गया। अब यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग तो लग गया, बट सिर्फ फॉर्मेटिंग लगा, इसमें कलर नहीं लगा है, तो कलर के लिए आपको ये चूज करना है, विद सिलेक्शन डॉट फॉर्मेट कंडीशन डॉट इंटीरियर, और कलर इक्वल टू जो देना है दे दीजिए, तो कलर कोड ए, ये पूरा बिथ कमांड उठा कर रख देता हूँ, तो बिथ कमांड मुझे चाहिए नहीं क्योंकि बिथ सिलेक्शन हटा देता हूं, इसमें रेंज डी सेवन है, यहां पे रेंज डी सेवन कर देते हैं। ये हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, एंड बिथ हटा दीजिए, और एक कलर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाया और इस पर कलर ला दिया। अब मुझे इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को पूरा लेके जाना है, तो जैसे कि मैंने यहाँ जो ये लगाया है आपका बॉर्डर जो लगाया है, इस बॉर्डर को ही ले लेते हैं। अब यहाँ A6 जो हमने दिया था उसके जगह पे D7 हो जाएगा, और ये जो प्लस किया हूं मैं प्लस नहीं रहेगा, D6 में हमने क्या किया था, -1 किया था, ये -1 होगा, और इस पे लाइन स्टाइल नहीं होगा, मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना है। याद देंगे रेंज D7 डॉट कॉपी, और ए पूरा इसके ऊपर जाके मुझे क्या करना है, पेस्ट स्पेशल, और उसमें करना है पेस्ट एज ए फॉर्मेट। यहाँ पे आपको पेस्ट का बहुत सारे ऑप्शन देते हैं क्या करना है, तो हमने यहाँ पे सिर्फ पेस्ट एज ए फॉर्मेट किया कि फॉर्मेटिंग पेस्ट करना है, डेटा नहीं करना है। ठीक है, अब इसको एक बार रन करके देखते हैं कि क्या दिखता है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ पूरा, डेवलपर माइक्रोज, और यहाँ पे रन, यहाँ पे हमने दे दिया जैम। ठीक है, बिल्कुल सही है, आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये बाकी जो लाइनिंग जो ग्रिड लाइन है वो हटा देना है। अब ग्रिड लाइन हटाने का कोड अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप क्या करें, रिकॉर्ड कर ले माइक्रो, तो जिसकी कोड आपको पता नहीं चलेगी उसको क्या करेंगे, माइक्रो रिकॉर्ड कर ले, यहां से ग्रिड लाइन हटा दिया, यहाँ पे माइक्रो स्टॉप करे जाके, तो अब यहाँ पे आके देखेंगे कोड में, यहाँ पे तो क्या है, एक्टिव विंडो डॉट डिस्प्ले ग्रिड लाइन इक्वल टू फॉल्स। अच्छा अब ये तो सेम सीट पे बनाता है, मैं चाहता हूँ कि एक नई सीट ऐड करे और इसमें सेम फॉर्मेटिंग करे, तो यहाँ पे हम करते हैं कि सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू एम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे रन करता हूँ मैं, यहाँ पे RR पे आता हूँ और मैं यहाँ पे जैन देता हूँ, जैन, आप देखेंगे कि जनवरी का डेटा बन गया। देन अगेन मैं इसको अगेन रन करता हूँ RR को, जैन के जगह पे मैं करता हूँ फैब
रन करता हूं, आप देखेंगे फरवरी का डेटा बन गया, ठीक है। लेकिन मुझे समझे, फरवरी में देखिए 29 दिन ही है। तो अब यहां पे बताइए पंकज जी, चंद्रा जी एंड पटेल जी, अब इसमें अगर मुझे बताइए कि कोड में क्या कंफ्यूजन है आपकी, कौन सा टॉप पार्ट समझ में नहीं आया आपको? हेलो, यस सर। कुछ दिक्कत है सर? हाँ नो, आया सब कुछ? तो आप लोग इसको बना के देखिए और मुझे बना के बताइए। तो जैसे इसमें मैंने मंथली किया हुआ है, आप एक काम करें वीकली रोस्टर बना दें, एक एक हफ्ते का। आप मैंने 1 से 30 कर रखा है, आप मुझे 20 से 19 का बना दे, क्योंकि बहुत सारी जगह पर अटेंडेंस 20 से 19 होता है ना सर। क्या समझे? इसको करें और करके मुझे इसको भेजें। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डेटा टाइप्स। ये डेटा टाइप्स क्या है, इसके बारे में हम आपके साथ अगली क्लास में डिस्कस करें, ठीक है? समझ गए कि नहीं सर? तो आज की रिकॉर्डिंग